लोकसभा में इम्प्लीमेंट की है और गोड्डा लोकसभा के लोग जो है उनके कारण ही मेरा अस्तित्व और वजूद है राजनीति में। उन्होंने मुझे 3 बार जिताया, 4थी बार इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त करके ये लोग दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में और बलबंडा के आसपास लगातार जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे आज क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं। प्रचार का पहले उन्होंने कह दिया था कि अलग तरीका होगा और कॉन्फिडेंस और लोगों की भीड़ काफ़ी है। सर, इस बार प्रचार को लेकर जो आपने कहा था कि तरीका अलग होगा, किस तरीके से इस भीड़ को देख रहे हैं आप? तरीका लगने हुआ, मैंने ये कहा कि मैं जाऊंगा, जनसंपर्क करूंगा और मैं कहीं क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आऊंगा, कहीं लंच करता हुआ नज़र आऊंगा, कहीं डिनर करता हुआ नज़र आऊंगा, शरबत पीता हुआ नज़र आऊंगा, मंच माइक नहीं पकड़ूंगा और लोगों से एक बार भी नहीं कहूंगा कि जो है आप वोट दीजिए, क्योंकि लोग अपने आप तैयार होकर वोट देंगे। और आप देख रहे हैं, आप मेरे साथ घूम रहे हैं सुबह से, मैं क्या कर रहा हूँ और लोग क्या कर रहे हैं। मुझे मोदी जी के कार्यों पर भरोसा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं परचून की दुकान हूँ। मोदी जी की जितनी नीतियाँ थी वो सब हमने गोड्डा लोकसभा में इम्प्लीमेंट की है और गोड्डा लोकसभा के लोग जो है उनके कारण ही मेरा अस्तित्व और वजूद है राजनीति में। उन्होंने मुझे 3 बार जिताया, 4थी बार इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त करके ये लोग दिखाएंगे। आज जो है, क्योंकि आज चूंकि अभी मैंने देखा कि धूप में निकल कर आप पीछे भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के यहाँ गए, एक सामान्य आदमी की तरह इतनी गर्मी में भी। सबसे बड़ा सवाल है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, जो आसपास देख रहे हैं जैसे बिहार के सीमावर्ती, अभी सीमावर्ती क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी आई है। आपको लगता है कि गोड्डा जो कि संथाल परगना के अंदर हमेशा से वोटिंग परसेंटेज यहाँ ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कोल्हान प्रमंडल की बात करें, अलग अलग प्रमंडलों में, इस बार आपको किस तरह का वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर दिखेगा? इस बार यहाँ 75 से 80% पोल होगा, पिछली बार से ज़्यादा होगा। जो लोगों का उत्साह है इस बार सभी निकल कर आएंगे और किसी को धूप गर्मी नहीं दिखाई दे रहा है। सबों को दिखाई दे रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और रिकॉर्ड मतों से झारखंड के सबसे ज़्यादा वोट से जीते जाने वाली कोई लोकसभा होगी तो वो गोड्डा लोकसभा होगी। गोड्डा लोकसभा में अभी आप जगह जगह जो घूम रहे हैं, जो आपने विकास कार्य को लेकर पिछले बार जो वादा किया, कितना प्रतिशत लगता है कि वो वादा आपने पूरा किया है? आपने किसी को हमसे सवाल जवाब करते हुए देखा कि आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया? इसका मतलब ये है कि जो भी हमने कहा होगा वो पूरा कर दिया होगा हमने। अच्छा, एक सर अभी मतलब सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं, वो खरखोदिया में जो डेयरी को लेकर है उसका क्या ऐसा प्रॉब्लम लगता है आपको कि मतलब वो सही से, क्योंकि पिछले साल भी जब हम लोग बात कर रहे थे इस मुद्दे पे तो आपने कहा था कि वहाँ की समस्याओं का सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो चीज़ें राज्य सरकार की हैं, ये जो डेयरी है ये डेयरी हमेशा राज्य सरकार बनाती है, चाहे वो साहबगंज में डेयरी बनी हो, चाहे वो सारठ में बनी हो, चाहे देवघर में बनी हो, कोई केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। मेरा क्या आदत है कि राज्य सरकार यदि नहीं कर रही हो, विधायक यदि नहीं कर रहा हो, तो मैं उसमें कूद जाता हूँ और उसके लिए थोड़े बहुत पैसे जो है केंद्र सरकार से ले आते हैं। केंद्र सरकार से हम पैसे लेकर आ गए, किसी कारणवश वो नहीं बन पाया। मैं लगातार जो है यहाँ के जो विधायक, चाहे विधायक अशोक भगत जी रहे हों, चाहे दीपिका पांडे रहे हों, जब दीपिका पांडे मेरे से पहली बार मिली थी विधायक बनकर, वो राहुल गांधी से मिलने के लिए गई थी। राहुल गांधी का जो ऑफिस है 15 नंबर गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, उसके ठीक सामने मेरा घर है, तो ये अपने पति के साथ आई थी। मैंने उनको कहा था कि 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि इमीडिएटली आपको करना चाहिए। एक तो राज्य सरकार को इंसिस्ट करना चाहिए कि महागामा और पीरपैंती जो रेल लाइन जाएगी उसमें 50% पैसा दे, नहीं हो पाया। दूसरा मैंने कहा कि सैनिक स्कूल का ज़मीन आपको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए, नहीं हो पाया। और तीसरा मैंने कहा था कि डेयरी का जो कॉलेज, ये डेयरी जो हम बनाने वाले हैं, डेयरी प्लांट, इसके लिए इमीडिएटली आपको फंड सेंक्शन कराना चाहिए। ये तीनों काम राज्य सरकार को करने थे, तीनों के तीनों काम नहीं किए। उसमें से एक काम जो गोड्डा से महागामा और महागामा से पीरपैंती और उसके बाद जो नौगछिया कटरिया तक जाएगी बटेश्वर में पुल के साथ, ये पूरा का पूरा पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। सैनिक स्कूल मैंने कहा है कि वो PPP मॉडल पर आएगा, क्योंकि यहाँ से उठकर जो है इन्हीं के राज्य सरकार ने जरमुंडी के लिए कह दिया, जरमुंडी में नहीं बनेगा, जरमुंडी में बनना होगा तो दूसरा बनेगा। और तीसरा डेयरी का, जहाँ तक सवाल है, NBCC यहाँ आई थी, जो राजेश रंजन पूर्व विधायक हैं उनके ज़मीन को भी हमने देखा था,
लेकिन राज्य सरकार जो है वो जमीन ट्रांसफर करने के लिए हमको लीज पर भी तैयार नहीं है, इस कारण से रुका पड़ा है। वो बन जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, वो केंद्र सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत